Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering Department, Unit 2 High Pressure Boilers. Topic number 4, Fluidized Bed Combustion, that means a FBC boiler. Lecture number 9, prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of today's lecture as FBC. FBC stands for Fluidized Bed Combustion. Its principal need, types and various arrangements. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify FBC system. List and explain components of FBC. Discuss merits and demerits of FBC. This is a table of program outcomes. This program outcomes from PO1 to PO10 and PSO1 to PSO3 is mapped from this table. Overview of last session. तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि बॉयलर क्या होता है. तो बॉयलर होता है स्टीम जनरेशन एलिमेंट और कंपोनेंट. व्हाट इज हाई प्रेशर बॉयलर? तो हाई प्रेशर बॉयलर में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कितना प्रेशर होता है, कितना टेम्परेचर वो हमें स्टीम में देगा, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी. इसके बाद देखें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर. 6 टाइप के बॉयलर्स हमने पढ़े हैं जिसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पड़ा. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स, वर्किंग ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर, इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, कंपैरिजन ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स. तो ये सारी चीज़ें हमने हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में लास्ट लेक्चर में देखी है. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एफबीसी? तो एफबीसी होता क्या है? जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा टॉपिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, शॉर्ट फॉर्म इज एफबीसी. दैट Think, this FBC fluidized bed concept is used in boiler to increase the efficiency of combustion chamber. That FBC is a fluidized bed combustion. In that, fluidized bed combustion FBC accepts any type of fuel including low-grade coals, even containing 70% ash, ऑयल, गैस और म्यूनिसिपल वेस्ट. तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर कंबशन सिस्टम ये कंबशन के काम में आता है इन बॉयलर, जिसके वजह से हम 70% ऐश, ऑयल, गैस और म्यूनिसिपल वेस्ट का यूटिलाइज कर सकते फॉर बर्निंग प्रोसेस इन कंबशन चैम्बर ऑफ बॉयलर. तो इसी कंसेप्ट को हम काफ़ी क्लियर करते हैं कि किस तरह से फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन चैम्बर काम करेगा. इज दैट एनिमेटेड डायग्राम में काफ़ी क्लियर हो रहा है कि इनसाइड में बर्निंग गैसेस है, बर्निंग के वजह से बर्निंग यहाँ पे पॉसिबल हो रही है. साथ में उसमें दूसरे साइड से एयर आ रही है और एयर इस वेसल में सर्कुलेट हो रही है. एयर के सर्कुलेशन के वजह से यहाँ पे जितने भी बर्निंग फ्यूल्स रहेंगे वो प्रॉपर वे से सर्कुलेट होंगे और जो एम्बिएंट पार्टिकल्स है उस पर स्ट्राइक करके बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिससे बर्निंग एफिशिएंसी ऑफ कंबशन चैम्बर इंक्रीज होगी, जिसमें हम 70% ऐश, ऑयल और गैस उसके साथ म्यूनिसिपल वेस्ट का भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके वजह से कोल का ग्रेड कम यूज़ किया जाएगा और हम नेचुरल कोल को सेव भी कर सकते फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पावर जनरेशन. आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एबीसी बॉयलर. तो इस एबीसी बॉयलर का ये सिंपल डायग्राम है जिसको हम देख रहे हैं एक क्लोज वेसल फॉर्म में, जो नीचे से एक कोनिकल फॉर्म में जहाँ से एयर इनटेक होगा, यानी एयर कोल बेड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऊपर से कोल आएगा, यानी हमें यहाँ पे
कोल को जमा करके नहीं रखना है, एक साथ इंटेक नहीं देना है, उसको हमें थोड़े थोड़े फॉर्म में इंटेक देना है इन पाउडराइज फॉर्म। और इस एबीसी सिस्टम में 70% ऐश हम यूज कर सकते हैं। तो ये पाउडराइज फॉर्म का जो ऐश और पल्वराइज कोल रहेगा, जिसमें थोड़े थोड़े फॉर्म में हम थोड़े थोड़े टाइम पे सेंड करेंगे, जिसके वजह से ये प्रॉपरली बेड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसको बेड का नाम देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट। इस पे हमने कोल और पाउडर फॉर्म में पल्वराइज कोल इंसर्ट किए हैं। इसके बीच में फीड वाटर इंटेक है, ये ब्लू कलर के वेसल्स, तो ये ट्यूब्स है जहाँ पे वाटर इंटेक होगा, तो नेक्स्ट साइड से वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर निकलेगा। इसके बीच में इवेपोरेटर ट्यूब्स है जो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। वाटर ट्यूब्स, इवेपोरेटर ट्यूब्स, देन इसमें कोल ऐड होगा, बेड पे आएगा तो नीचे से एयर सर्कुलेट होगी, तो एयर कोनिकल शेप होने की वजह से एयर ऑल कंपोनेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और पाउडर फॉर्म ऑफ कोल, जिसके वजह से एयर और कोल का प्रॉपर वे से मिक्सिंग होगा और प्रॉपर बर्निंग होगा, जिसमें ऑल मैक्सिमम पार्ट्स बर्न होंगे, और प्रॉपर कंबशन के वजह से हमें कम कोल में ज़्यादा हीट रिलीज होगी, जिससे हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल ऑफ कोल कम लग रहा है। तो बचा हुआ जो फ्लू गैसेस रहेगा उसमें से ऐश को अलग करके हम फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ चिमनी सेंड कर सकते हैं। तो इस ऐश को हम रीसर्कुलेट रीयूज कर सकते हैं इन एफबीसी सिस्टम। आइए देखते हैं इसका ही एक वर्किंग प्रिंसिपल इन एनिमेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे वैसा ही क्लोज वेसल दिख रहा है जो आपने अभी देखा, और नीचे से एयर सर्कुलेट हो रही है, एयर यहाँ से सर्कुलेट हो रही है, ऐश को हम अलग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से रिसर्कुलेशन ऑफ स्टीम फॉर्म प्रोसीड हो रहा है। तो फ्यूल एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से एयर आएगा, बेड पे सर्कुलेट होगा, बेड पे सर्कुलेट होने के बाद दोनों का प्रॉपर कंबशन होगा, जिसमें मैक्सिमम हीट हमें मिलेगी, और बचा हुआ एच हम फिर से रिसर्कुलेट करेंगे, और यहाँ से हम स्टीम यूज कर सकते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लूडाइज बेड बॉयलर। तो आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लूडाइज बेड कंबशन सिस्टम के। तो इसकी थर्मल इफिशेंसी क्या है? हाई थर्मल इफिशेंसी, इजी एश रिमूवल सिस्टम टू बी ट्रांसफर्ड फॉर मोर मेड सीमेंट, शॉर्ट कमीशनिंग एंड इरेक्शन पीरियड, फुल्ली ऑटोमेटेड एंड हेंस इंश्योर सेफ ऑपरेशन इवन एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर में भी हम फुल्ली ऑटोमेटेड और सेफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन एबीसी सिस्टम। Efficient operation at temperature down to 150 degree centigrade, that is well below the ash fusion temperature. तो efficient operation हम perform कर सकते हैं at a temperature of 150 degree centigrade. Reduce coal crushing etc. तो यहाँ पे coal को crush भी नहीं करना है, 70% ash का reuse भी हमें कर सकते। तो ये होते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ एबीसी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एबीसी सिस्टम। तो इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कंबशन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम एयर सर्कुलेशन के लिए यूज करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कंबस्टर। इसमें दो टाइप्स है, फर्स्ट है बबलिंग फ्लूडाइज बेड कंबशन और सेकेंड है सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेड कंबशन। और सेकेंड टाइप है एबीसी का, प्रेशराइज एबीसी सिस्टम। तो आइए देखते हैं एटमॉस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कंबस्टर। तो एटमॉस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कंबस्टर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर को रिसर्कुलेट किया जाता है इन क्लोज वेसल में, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कंबस्टर। तो आइए देखते हैं एटमॉस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कंबस्टर के बारे में। एटमॉस्फेरिक फ्लूडाइज बेड use limestone or dolomite to capture sulfur released by the combustion of coal. तो यहाँ पे limestone और dolomite का हम use करेंगे
सल्फर रिलीज को कंट्रोल करने के लिए इन कंबर्शन ऑफ कोल। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज ए बबलिंग फ्लूडाइज बेड कंबर्शन एंड सेकेंड इज ए सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेड कंबस्टर। बबलिंग फ्लूडाइज बेड कंबस्टर, तो बबलिंग में क्या होता है कि एक एंड से एयर सर्कुलेट होंगे और दूसरे इसमें नीचे से हमारा बेड रहेगा जिस पे कोल और फ्यूल का फॉर्म रहेगा। तो हम एयर को सर्कुलेट करेंगे तो वहाँ पे एयर्स के बबल्स क्रिएट होंगे एज शोन इन फिगर। शो दिस डायग्राम इज क्लियर वेसल, देयर इज ए वन वेसल दैट्स हॉट प्राइमरी एयर इनटेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर टेम्परेचर फ्रॉम बिलो साइड ऑफ वेसल। तो ऊपर से एक ग्रिड प्लेट है जिसको हम फ्लूडाइज बेड बोलते हैं, जहाँ पे ओवरबेड फ्यूल और सर्टेन फ्यूल पोर्ट लगे रहेंगे जहाँ से बेड ड्रेन मटेरियल जाएगा। तो यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे हम कोल को इक्विवेलेंट स्पेस में प्लेट पे अरेंज करेंगे और नीचे से हमारा क्या हो रहा है, हॉट प्राइमरी एयर सर्कुलेट हो रही है जिसके वजह से एयर और कोल दोनों का मिक्सिंग फॉर्म जनरेट होगा। इस मिक्सिंग फॉर्म के वजह से कोल के एच के जो पार्टिकल्स है वो एयर बबल का फॉर्म लेंगे और जिसको हम बोलते हैं बबलिंग फ्लूडाइज बेड कंबशन सिस्टम। और दूसरा रहेगा हमारा हॉट सर्कुलेटिंग एयर, तो यहाँ से हम सेकेंड एयर को रिलीज करेंगे जो एयर के बबल्स बनाने में हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि वाटर में हम एयर फ्लो कर सकते हैं जिसके वजह से एयर के बबल्स देखते हैं, तो वही एयर के बबल्स यहाँ पे हीटेड फॉर्म में ऊपर ऊपर जाएंगे और सम हाइट के बाद वो ब्लास्ट होंगे और ब्लास्ट होने के बाद उसमें जो एश कंटेंट है वो फिर से ड्रेन साइड से हम रिलीज कर सकते हैं और जहाँ पे जो स्टीम फॉर्म होगा इस स्टीम फॉर्म को हम प्राइम मूवर तक भेजेंगे। ये इसका स्टीम सर्कुलेशन का प्रोसेस है यहाँ पे आपको दिया है। तो यही हीट हम फिर से फ्लूडाइज साइक्लोन से फिर से हम फ्यूल के कंजम्पशन और एश कंटेंट को रीसर्कुलेट कर सकते हैं। दैट इज ए सिंपल वर्किंग ऑफ बबलिंग टाइप फ्लूडाइज बेड कंबस्टर। आइए देखते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेड कंबस्टर। तो ये भी हमारा एटमोस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कंबशन सिस्टम का ही एक दूसरा पार्ट है जिसमें एयर को और एश को हमें रीसर्कुलेट करना है बाय सर्कुलेटिंग प्रिंसिपल। और इसका जो एयर का प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहेगा, उससे ज़्यादा हम फॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लोज वेसल है जहाँ पे फ्यूल एंड लाइमस्टोन फीड होगा, देन बॉटम एश कलेक्टर है जहाँ पे एश को हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस वेसल आफ्टर बने। नीचे से एयर सर्कुलेट होगी और इस बेड पे जो कोल और लाइमस्टोन अरेंज रहेंगे इक्वली स्पेस पे उसको हम एयर से रिसर्कुलेट करके सर्कुलेट प्रॉपर वे से करके बर्निंग करवाएंगे जिसमें हमें हीट मिलेगी और यहाँ पे कंबशन होगा और कंबशन से वाटर का स्टीम फॉर्म कन्वर्शन होगा। देन इसके बाद जो रिमेनिंग फ्लू गैसेस बचेगी उसको हम हॉट सर्कुलेशन और यू बीम से फिर से रिसर्कुलेट करेंगे इन दिस क्लोज वेसल। ऑल्सो यहाँ पे जो हीटेड फॉर्म रहेगा उसको हमें कन्वेक्शन पास से फिर से एयर हीटर को एयर को रीहीट करना है। तो ये जो हमारी जो प्रोसेस है ये हम ऐश को भी सर्कुलेट कर रहे हैं और जो हमारी रिमेनिंग हीट है इन बॉयलर के कंबशन सिस्टम के अंदर उसको भी हम रीसर्कुलेट कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर हीटर और कन्वेक्शन पास। और इसके वजह से यहाँ पे जो पास होगी उसे हम देंगे फिर से रिसर्कुलेट करेंगे एयर। तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे जो सिस्टम है अटैच फैन सिस्टम है या एश हैंडलिंग प्लांट से उसी से हीट जो रिलीज होगी फ्रॉम बॉयलर उसी को हम यूज़ करेंगे एयर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और सर्कुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे एयर और कोल के एश पार्टिकल्स रिसर्कुलेट होंगे इन दिस क्लोज वेसल एंड दैट्स कॉल्ड एज ए सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेड कंबस्टर। इट इज
similar in bubbling system, but there is a bubbles are created in closed vessel of air, but यहाँ पे water is converted in steam form by circulating of ash and air circulation system at a temperature of and pressure atmospheric level. आइए देखते हैं प्रेशराइज एबीसी सिस्टम। तो प्रेशराइज एबीसी सिस्टम का ये स्कीमेटिक स्केच है जिसमें एक प्रेशर वेसल है। प्रेशर वेसल में एक बेड मटेरियल स्टोरेज टैंक रहेगा और दूसरा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इनसाइड वेसल रिएक्टर आफ्टर बर्निंग ऑफ एश एंड कोल एंड फ्यूल्स रिक्वायर इन बर्निंग। तो इस रिएक्टर के अंदर एक बेड रहेगा जिसको हम फ्लूडाइज बेड बोलेंगे, जहाँ पे कोल फ्यूल्स एश ये प्रॉपर वे से बेड पे सर्कुलेट होंगे और इसको बर्निंग के लिए हम एयर सर्कुलेट करेंगे। तो एयर हमारा आएगा गैस टरबाइन से, जो कंप्रेसर अटैच होगा वहाँ से हम एयर इस प्रेशराइज एबीसी के लिए यूज़ करेंगे, और वाटर आएगा तो वाटर इवेपोरेटर के थ्रू से स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इन दिस क्लोज वेसल, और रिमेनिंग जो रिएक्टर रहेगा वो साइक्लोड डस्ट रिमूवल के थ्रू फिर से रिसर्कुलेट होगा गैस टरबाइन में, और गैस टरबाइन के थ्रू फिर से हम इसको SCR और NOx रिलीज करने के लिए कम कर सकते हैं, और उसके बाद जो इम्प्यूरिटीज है फ्लू गैसेस उसको हम एटमोसफेयर तक भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चिमनी। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग कोल रहेगा दैट इज एश पार्टिकल्स, जिसको हम बॉटम साइड में एश कलेक्टर में कलेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर से रिसर्कुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा एयर सर्कुलेशन का वो रहेगा विद द हेल्प ऑफ गैस टरबाइन ऑफ कंप्रेसर, जिसका टेम्परेचर प्रेशर एटमॉस्फेरिक लेवल से इंक्रीज रहेगा, जो हमें हाई स्टीम फॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा, और साथ में प्रॉपर वे कंबशन भी होगा जिसमें मैक्सिमम हीट रिलीज होगी विथ मिनिमम यूज ऑफ फ्यूल्स, दैट इज ए प्रेशराइज एबीसी सिस्टम। तो आइए देखते हैं एक डायग्राम जिसमें नॉर्मल ब्लेड का कंबशन कैसा होता, बबलिंग ब्लेड का क्या रहेगा और सर्कुलेशन फ्लूडाइज ब्लेड का कंबशन किस तरह से फॉर्म होगा। तो ये हमारा बॉयलर का डायग्राम है जिसमें नॉर्मल फिक्स ब्लेड अगर यूज होता है तो एयर नीचे से आएगी, एक साइड से स्टीम आएगा, बर्निंग हो गए, फिर से फ्लू गैसेस एटमॉस्फेयर में सेंड होंगे। दूसरा है हमारा बबलिंग फ्लूडाइज बेड, जो कि नीचे से एयर आएगा, ऊपर से हमारा कोल रहेगा इन पर्टिकुलर फॉर्म में फ्यूल्स में। तो यहाँ पे जो प्रेशराइज एयर एट ए एटमॉस्फेरिक लेवल है जिसमें दोनों का एयर बबल्स क्रिएट होगा, जिसमें बबल के थ्रू हीट और सभी कोल पार्टिकल्स में हीट रिलीज होगी बाय प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ कोल विद द हेल्प ऑफ एयर, जिसमें हमारा फ्यूल रेट कम होगा और हीट कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। तो इससे हमारे पावर प्लांट की एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। और थर्ड है हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेड। तो सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेड में यहाँ पे सेम प्रिंसिपल हमने यूज़ करेंगे बबलिंग बेड का, पर यहाँ पे एयर बबल फॉर्म में क्रिएट नहीं होगा, वो एयर और हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेस एयर ये हम रिसर्कुलेट करेंगे बाय दिस मीडिया। तो इसके वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा कि इसमें जो लॉसेस है वो कम होंगे और जो हीट एटमॉस्फेयर में फ्लू गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो रही है उसी को हम डायरेक्टली रीसर्कुलेट कर सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लूडाइज बेड कंबशन, दैट्स सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ कोल लोडिंग विद साइमल्टेनियस रिलेशन ऑफ एयर वेलोसिटी, कंसिडरेबल वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का कंसिडरेबल वॉल्यूम भी प्रेशराइज एबीसी में कम होगा, हाई बर्निंग रेट्स, प्रेशराइज एयर यूज कर रहे तो बर्निंग रेट वैसे ही बढ़ेगा, इम्प्रूव डीसल्फराइजेशन एंड लो NOx इमर्शन। तो डीसल्फराइजेशन को हमने कम किया और NOx फॉर्म भी हमारा कम होगा,
साथ में कंसिडरेबल रिडक्शन इन द कॉस्ट, तो कॉस्ट का भी रिडक्शन हमारा यहाँ पे हो रहा है। साथ में देखते हैं प्रेशराइज एबीसी सिस्टम का क्या डिसएडवांटेजेस है। इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड गिव लॉन्ग। आइए देखते हैं यूनिट आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर। एट दैट एक्सप्लेन विद स्केचेस ऑफ द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ बॉयलर। तो हमने बॉयलर के अंदर एबीसी कंसेप्ट समझा और उसके स्केच और वर्किंग के बारे में अंडरस्टैंड किया। समरीज ऑफ टूडेज लेक्चर एज एबीसी प्रिंसिपल नीड टाइप्स एंड वेरियस अरेंजमेंट। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव, तो ये प्रोग्राम आउटकम्स का जो चार्ट हमने पहले देखा था फ्रॉम पीओ 1 टू पीओ 10 एंड पीएसओ 1 टू पीएसओ 3, इसमें इतने पीओ और पीएसओ मैप होंगे बाय दिस टॉपिक। नाउ द टाइम इज टू गिव सम असाइनमेंट एंड दिस असाइनमेंट इज असाइनमेंट नंबर 9। यू ऑल नोट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस असाइनमेंट एंड सॉल्व इन योर कॉपी। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज एबीसी, क्लासिफाई एबीसी, राइट रिक्वायरमेंट ऑफ एबीसी इन बॉयलर्स, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एबीसी, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एबीसी विथ नीड स्केच, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ प्रेशराइज्ड एबीसी विथ नीड स्केच। फॉर सॉल्विंग दिस असाइनमेंट यू वॉच दिस वीडियो अगेन, पॉज फॉर सम टाइम टू ड्रॉ ए गुड डायग्राम, रेफर नोट्स। इफ देर इज ए अनेबल टू सॉल्व सम डिफिकल्टी एंड सम पॉइंट इज नॉट अंडरस्टैंड देन कॉन्टैक्ट टू सब्जेक्ट टीचर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्व योर डिफिकल्टी। टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन, तो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं अरेंजमेंट्स ऑफ एबीसी इन डिफरेंट पावर प्लांट और आईबीआर। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।